हेलो एवरीवन, क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम स्टडी करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। तो बार्टर सिस्टम से पहले है ये भाई मनी होती क्या। देखिए भाई, हम चैप्टर मनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मनी क्या होती है? ए थिंग विच इज यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो वो होते हैं हमारी मनी। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसके थ्रू परफॉर्म की जाती है? सारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी परफॉर्म होती है बार्टर सिस्टम के द्वारा। अगर मनी नहीं हो, जैसे कि भाई इंडियन रुपीज, जो इंडियन रुपीज है वो मनी कहाँ की है? इंडिया की, क्योंकि वो केवल इंडिया के अंदर ही क्या है, इंडिया के अंदर ही एक्सेप्टेबल है। सेकंड, सेम एज इट इज, आपको पता है यूएसए का क्या होता है? हमारा डॉलर होता है। तो मनी के रूप में कहाँ पर एक्सेप्टेबल है? मेनली तो वो करेंसी कहाँ की है? यूएसए की है। और एक्सेप्टेबल कहीं पर भी, हम जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर सारी सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होती है? करेंसी। तो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे हमें इंडिया के अंदर करनी होगी, तो हम इंडियन करेंसी के अंदर, मतलब कि क्या है इंडियन करेंसी? वही इंडियन रुपीज जो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ये तो था फिलहाल हमारी मनी। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि ओल्ड टाइम में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम क्या होता था, अप्लाई होता था। बार्टर सिस्टम रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड टू गुड्स। इसके अंदर ऑफ गुड टू गुड्स के अंदर क्या होती थी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी, जितनी भी एक्सचेंज होती थी, क्या होती थी? ऑफ गुड टू गुड्स होती थी। यानी इसलिए इस बार्टर सिस्टम को हम क्या कहते थे? सी टू सी इकोनॉमी। मीन्स सी मीन्स, यहाँ पर हमारा सी मीन्स क्या होता है? कमोडिटी। सी मीन्स क्या है? हमारी कमोडिटी है। और कमोडिटी के थ्रू ही हमारी क्या होती है? सारी की ट्रांजेक्शन हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि सी टू सी इकोनॉमिक क्यों कहा जाता था, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ गुड टू गुड्स कैसे होती थी। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि दो पर्संस होते थे, दोनों के दोनों आपस में क्या कर लेते थे? गुड्स को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर लेते थे। वो था हमारा बार्टर सिस्टम। सपोज कीजिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रही बेटा, ये है पर्सन ए और ये है आपका पर्सन बी। पर्सन ए के पास क्या है? ग्रीन के रूप में वीट है। पर्सन बी के पास क्या है? क्लोथ्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या, बार्टर सिस्टम के अंदर सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स, यानी पर्सन ए क्या कर रहा है यहां पर? पर्सन ए पर्सन बी से क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है क्लोथ्स। ठीक है, क्या कर रहा है? पर्सन ए परचेज कर रहा है क्लोथ्स पर्सन बी से। और पर्सन बी क्या कर रहा है? वो परचेज कर रहा है बी से। तो इसके अंदर क्या था, पर्सन ए ने पर्सन बी से क्या किया? परचेज किया क्लोथ। तो वो पर्सन ए की तो क्या है? पर्सन ए की परचेज है। तो वही सेम थिंग पर्सन बी की क्या है? पर्सन बी की क्या है बेटा? पर्सन ए की अगर परचेज है, पर्सन बी की वही सेम थिंग पर्सन बी की क्या है बेटा? वो सेल है। यानी पर्सन ए ने परचेज किया तो पर्सन बी ने उसे क्या किया है? सेल किया है।
सेम एज इट इज, इसने परचेज किया है तो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, सेल किया है। पर्सन ए की परचेज क्या किया, पर्सन ए ने परचेज क्या किया है, क्लोथ, तो वो क्लोथ पर्सन ए के लिए परचेज है, पर्सन बी के लिए सेल है। सेम एज इट इज जो वीट है, पर्सन बी के लिए क्या है, परचेज है, और पर्सन ए के लिए क्या है, सेल। तो ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी डायरेक्टली आपकी एक्सचेंज होती है गुड्स किसके साथ, ऑफ गुड फॉर गुड्स, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम, यानी इसके अंदर हमारे कितने पर्सन हुए, वन पर्सन और टू पर्सन। तो बार्टर सिस्टम कब एग्जिस्टेंस होगा, जब डबल कंसीडेंस ऑफ वन टू की। तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट व्हेन डबल कंसीडेंस ऑफ वन टू। बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट व्हेन डबल कंसीडेंस ऑफ वन। अब क्वेश्चन आया कि डबल कंसीडेंस ऑफ वन होता क्या है, तो डबल कंसीडेंस ऑफ वन मीन्स कि हमारे कोई भी गुड्स को अगर हम परचेज कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कितने पर्सन है, टू पर्सन है, और दोनों के दोनों पर्सन क्या होने चाहिए, हमारे रेडी होने चाहिए, किस चीज के रिगार्डिंग, सेल एंड परचेज, कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, गुड्स को सेल भी करेंगे आपस में और दोनों एक दूसरे से गुड्स को परचेज करेंगे। अगर दोनों के दोनों रेडी है सेल्स और परचेज के रिगार्डिंग, तभी हमारी डबल कंसीडेंस ऑफ वांट क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। यानी दोनों के दोनों पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे इस गुड्स की रिक्वायरमेंट है और ये इस पर्सन के पास है। और ये बार्टर सिस्टम में क्या होती थी, कुछ ना कुछ क्या होती है, हमारे यहाँ पर लिमिटेशन थी। इसलिए ये क्या हुआ, ये पूरे से जैसे जैसे ह्यूमन वांट्स क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। ह्यूमन वांट्स के इंक्रीज होने पर हमारी जो डिमांड है गुड्स की वो बढ़ने लगी। तो गुड्स की डिमांड बढ़ने पर फिर धीरे धीरे क्या आने लगे, क्वाइंस आने लगे। तो क्वाइंस आए, फिर हमारे क्या है, आपके जितने भी जैसे कि आपके गुप्तकालीन आपके क्वाइंस थे या मौर्यकालीन क्वाइंस थे, ये सारे के सारे क्वाइंस आए। फिर ऐसे ही आपकी अलॉय मेटल्स आई, और फिर आपकी ये जो करेंसी है जो आरबीआई के द्वारा है, फिर आपकी ये सारी सारी करेंसी आई। फिर उसके बाद आपकी ये प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी मीन्स आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे जितने भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो, वन बाई वन ऐसे ये आने लग गए बार्टर सिस्टम। और ये सारे के सारे क्या है, जो हमारे बार्टर सिस्टम धीरे धीरे इन सभी का क्या होने लगा, इन्वेंशन होने लग गया। इनके अंदर कहीं ना कहीं फीचर, प्लास्टिक मनी के अंदर कहीं ना कहीं जो फीचर है वो इनके अंदर नहीं है। जैसे करेंसी है, कहीं ना कहीं हमें डर बना रहता है कि भाई हमारी करेंसी कोई थेफ्ट ना कर ले, इन सारी चीजें। तो अब हम बार्टर सिस्टम के ही रिगार्डिंग उसकी क्या करेंगे, लिमिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, रीजन ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन है बेटा बार्टर सिस्टम की क्या क्या है। फर्स्ट वन इज योर लैक ऑफ डबल कंसीडेंस ऑफ वांट, यानी डबल कंसीडेंस के अंदर क्या है, टू पर्सन होने चाहिए। यानी टू पर्सन, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, टू पर्सन है, पर्सन ए और बी। ए के पास वीट है, इसके पास क्या, सपोज कीजिए शूज है, तो दोनों के दोनों आपस में क्या करने के लिए रेडी है, परचेज और सेल्स करने के रिगार्डिंग। अगर दोनों के दोनों अगर आपस में रेडी है, तभी दोनों के बीच में क्या हो सकती है, ट्रांजेक्शन हो सकती है, तभी वो गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑफ गुड टू फॉर गुड। तो लेकिन अगर दोनों के बीच में कंसीडेंस वांट नहीं है,
तो फिर क्या नहीं होगी, आपके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो ये थे हमारी बार्टर सिस्टम की फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड वन इज योर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं कर सकते। कॉमन मेजरमेंट का मींस क्या है, सपोज कीजिए आपके वही दो पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए के पास क्या है, वीट है, और पर्सन बी के पास क्या है, राइस। तो वो एग्जैक्टली में मेजरमेंट नहीं कर पाते थे कि अगर हमें 1 kg आपके जो वीट है उसके बदले में, ठीक है, एक्सचेंज में हाउ मच अमाउंट ऑफ राइस अवेलेबल, कि अगर हम 1 kg और वीट देंगे तो उसके बदले में हमें कितना राइस मिलेगा, या फिर राइस के 5 kg राइस दे रहे हैं या 5 kg वीट दे रहे हैं, तो उसके बदले में। तो ऐसी कोई कॉमन मेजरमेंट यूनिट नहीं थी। जैसे कि आपको पता है कि आपकी कार है, उसको आपकी कार की प्राइस है 8 lakh है, या फिर आप पेन यूज़ कर रहे हो उसकी 20 rupees है, तो ऐसी कोई कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं थी। ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन। थर्ड वन इज योर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि आपकी फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड होती है। डेफर्ड पेमेंट किससे रिलेटेड होती है, आपकी फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड होती है, कि फ्यूचर में, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, पर्सन अगर किसी के यहाँ पर काम करते तो उसके बदले में एक्सचेंज ऑफ वो उसको क्या देते था, गुड्स देते थे, उसकी डेफर्ड पेमेंट नहीं करते, यानी कि कोई भी फ्यूचर पेमेंट नहीं होती थी, या फिर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है, जैसे कि अगर अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल कैश नहीं है, मैं किसी पर्सन के पास जाकर गुड्स ले लेता और उसे कह देता हूँ कि अगले मंथ क्या कर दूंगा पेमेंट, तो ये सारी इसके अंदर आती है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम क्या करते थे, जो भी बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स और सर्विस की क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी, वो बेसिकली क्या होती थी, आपकी वीट है, राइस है, डेली बेसिक की गुड्स नीड्स होती थी, क्लोथ्स वगैरह, शूज वगैरह, तो उसको हम क्या कर नहीं कर सकते, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनी है, मनी को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, आप अपने घर में भी रख सकते हो, बैंक में भी रख सकते हो, कहीं से जब आपको ट्रांजेक्शन करनी हो आप इजीली से क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, उन सभी लिमिटेशन को कम करने के लिए और कम करने के लिए हमारे किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ। इसलिए हमें मनी की क्या भी रिक्वायरमेंट हुई कि ह्यूमन वांट्स जो इंक्रीज। आज के लिए यही टॉपिक था हमारा बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मनी।